और भैरुंदा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लाड़कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा चर्चा में रहा है। कभी गरीबों को इलाज नहीं मिलता तो कभी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। इस बात को लेकर भी इस बार ये गांव चर्चा में है, लेकिन वर्तमान में जिस विषय को लेकर ये चर्चा हो रही है वो अस्पताल के सामान को बेचने को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कोई प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जायसवाल हॉस्पिटल के उपकरण पलंग कूलर और अन्य सामग्री को बेच रहे हैं, जबकि समुदाय केंद्र में सामग्री खरीदने और कबाड़ बेचने के कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन डॉक्टर इन सभी नियम कानूनों को ताक में रखकर लाखों रुपए के पुराने उपकरण बेचकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोई भी हॉस्पिटल या सरकारी संस्थानों में कंडम सामग्री को बेचने के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनी रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पैनल की बैठक की जाती है। बैठक में प्रस्ताव रखा जाता है और इस बैठक में सभी सदस्यों की एक एक राय पर सामग्री का क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन लाड़कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रदीप जायसवाल के हौसले इतने बुलंद है कि सारे नियम और कानून को ताक में रखकर हॉस्पिटल की सामग्री बेच दी। जी, आज हमारे अभियंता महोदय की आल ओवर एमपी में स्ट्राइक है। आज के दिन हम अवकाश में हैं और जहाँ तक आप संज्ञान की बात कर रहे हैं तो लाड़कोई के परिक्षेत्र की हमको किसी भी संज्ञान का कोई भी नहीं मानूँ कि हम उसके सदस्य हैं या नहीं हैं। होंगे भी तो हमको उसके लाड़कोई क्षेत्र के नहीं मानूँ। भिरंदा परिक्षेत्र में जरूर हम सदस्य हैं रोगी कल्याण समिति के। इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, इसके संबंध में मुझे आपसे जानकारी लग रही है, आप बता रहे हैं तो फिर मैं इसको दिखवा लूँगा कि ये किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो। लड़की में के अस्पताल में जो पुराना कबाड़ा बिक्रे की बात है, उसमें मीडिया के माध्यम से मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई। डॉक्टर जायसवाल से मैंने उसकी जानकारी ली, जो उससे पहले मैंने मुझे और उसका कबाड़ा है वो बेचा है, उसमें रिपोर्ट मंगाई है कि आप रिपोर्ट भेजेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया आपने की है और जो रोग कल्याण समिति उसका प्रस्ताव लिया था, यानी वो जानकारी हमें भेजेंगे। इसके बाद ही मैं